चलिए नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज आप देखेंगे पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया पटना विधानसभा क्षेत्र से, और उनकी सुपुत्री हैं, उनका परिवार है, सभी इनसे जानेंगे। अब तो टिकट भी मिल गया, अब क्या चाहते हैं आप, आगे क्या काम कराएंगे? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, टिकट मिलने पर क्या कहेंगे? टिकट मिलने पे सबसे पहला तो उस परमपिता परमात्मा का और सबसे पहले हमारी पृथ्वी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे अंदर विश्वास दिखाया और इस पहली सीढ़ी को पार करने के लिए हमें हिम्मत दी। हमारे भाजपा परिवार में शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारी पृथ्वी की जनता में एक कमल का फूल हम खिला के रहें और इस सीट को भाजपा की झोली में डालकर। महिलाओं के लिए क्या चाहेंगे इनसे विकास कार्यों में? देखिए, महिलाओं के लिए मेरे दो हिस्सा हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, और इन्हीं दोनों चीजों पर हमें काम करना है। बहुत सारे गांव का दौरा कर चुके हैं जहां कमी आ रही है, सड़क बनने के कारण महिलाओं को आसानी से कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, एजुकेशन के लिए वो आगे भी नर्सिंग कॉलेज तक की डेवलपमेंट की बात हो रही है और आईटीआई और बढ़ाने की बात हो रही है। पहलादपुर जैसे गांवों में हमें अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, जैसे कि हमें स्कूल अपग्रेड कराने हैं, इन सभी चीजों पे काम होगा लगातार। खुशी कैसे जाहिर व्यक्त करेंगे? नाच गा करके करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, कैसे क्या करेंगे? नाच गा करके, मिठाई खिलाएंगे, खुशी मना कर कर, जीत यहीं से शुरू है, हमें कमल खिला के रहेंगे। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे लाइव तस्वीरें आप देखेंगे, उनके उनके परिवार की महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि नाच गाकर खुशी मना करके हम खुशी मनाएंगे। आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, आ जाओ, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरें, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरें, आप देखेंगे कि किस तरीके से खुशी मनाते हो यहाँ पर लोग। चल रहे हैं,